वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो मैच होने वाला है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स वर्सेस मेम्फिस ग्रिजल्स के बीच में। दोनों टीम का अगर कंपैरिजन करें तो लास्ट हेड टू हेड मैच यहाँ पर 17 मई को हुआ था और वो मैच जो था तो यहाँ पर इजिली यहाँ से विन कर लिया था गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने। क्लोज वाला मैच था, टू टू थ्री पॉइंट के मार्जिन से यहाँ पर गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने यहाँ पर वो मैच यहाँ पर विन कर लिया था। तो कंपेरेटिवली दोनों टीम यहाँ पर इक्वली है। जो टीम यहाँ से जीतेंगी सीधा प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेंगी और जो टीम यहाँ से हारेंगी सीधा यहाँ पर घर पे जाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टाइम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर। सबसे पहले गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की तरफ से स्टार्ट करेंगे करी, उसी के साथ साथ बिंदुमान आपको एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। एविक्सन स्टार्ट करेंगे, पावर फॉरवर्ड से डी ग्रीन स्टार्ट करेंगे और सेंटर से केल ओनली स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की तरफ से। कोई चेंजेस होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी। उसी के साथ साथ ग्रिजल्स की तरफ से मॉर्नेट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आपको एज ए स्टार्टर यहाँ पर डी ब्रूक्स देखने को मिलेंगे। के एंडरसन और जेरिन जैक्सन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जे वैलेंसिया स्टार्ट करेंगे सेंटर से। बेस्ट एस पी 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 चॉइस आपको वैलेंसिया से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर मेम्फिस ग्रिजल्स की तरफ से। चेंजेस होने की बहुत कम यहाँ से पॉसिबिलिटी। जे मॉर्नर इंजरी की वजह से लास्ट दो मैच यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ पर मॉर्नर जो है तो यहाँ पर इंजरी से बैक कर रहे तो यहाँ पर इतना अच्छा खासा टाइम इनको मिलने के यहाँ पर एक्सपेक्टेशन उससे पहले मैचेस में बहुत कम थी। लेकिन अगर इनको जी सके यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी कि मॉर्नर 100% फिट नहीं, लेकिन लास्ट के दोनों मैचेस अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 38 मिनट खेले थे। उसी के साथ साथ जो लास्ट रिसेंटली मैच हुआ था वहाँ पर भी 48 मिनट खेले थे, सॉरी 41 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैचेस इंपॉर्टेंट है, अगर हारे तो टीम सीधा यहाँ पर घर पे जाएंगी। तो इंजरी यहाँ पर कोई ज़्यादा मैटर करने वाली नहीं। बाकी मॉर्नेट को जेल में ट्राई करना, क्रेडिट की वजह से शायद आपको उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जो रहा था 20.6 रिबाउंड 6 असिस्ट और हेड टू हेड मैच जो हुआ था अगेंस्ट यहाँ पर गोल्डन स्टेट वॉरियर्स वहाँ पर परफॉर्मेंस आया था 16.3 रिबाउंड 9 असिस्ट और 1 स्टील। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर लास्ट मैच का भी रिकॉर्ड चेक करें प्लस यहाँ पर जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर भी मैं आपको यहाँ से रिकॉर्ड शो कर रहा हूँ। बाकी डी बेन और डी मिल्टन जो कि खेलेंगे एज ए बैंच प्लेयर, दोनों खेलते हैं एज ए बैंच प्लेयर और दोनों के ऐसे बैंच से सबसे बेस्ट टाइम यहाँ से मिलता है इस टीम की तरफ से। बाकी मिल्टन को लास्ट मैच में कुछ खास टाइम नहीं मिला था, लेकिन डी बेन 25 मिनट खेलकर 7 पॉइंट और 6 रिबाउंड। जो सेकंड मैच रहा था वहाँ पर दोनों को यहाँ पर फिर से बेस्ट टाइम मिला था और एक हेड टू हेड मैच रहा था। डिबेन का परफॉर्मेंस वहाँ पर आया था 8.1 ब्लॉक 1 2 स्टील उसी के साथ साथ 1 असिस्ट। उसी के साथ साथ मिल्टन का परफॉर्मेंस 21 मिनट खेलकर 4.2 रिबाउंड और उसी के साथ साथ 2 स्टील इनके तरफ से आए थे। बाकी यहाँ से दोनों में कंपेरेटिव यहाँ पर डिबेन थोड़े से यहाँ पर कंफर्टेबल प्लेयर आपको मिल जाएंगे अगेंस्ट यहाँ पर डी मिल्टन जो कि इनका क्रेडिट भी है और डिबेन को इनसे ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी इनसे ठीक ठाक आ रहा है। बाकी डी ब्रूक स्टार्ट करेंगे, जी एलिन यहाँ पर खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर जो यहाँ पर फिलहाल पहले यहाँ पर मेम्फिस ग्रिजल्स की तरफ से एज ए स्टार्टर खेलते हुए आ रहे थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंजरी होने की वजह से यहाँ पर कन्फर्म नहीं कितना टाइम मिलेंगे या फिर नहीं भी मिल सकते हैं। बाकी जो लास्ट मैच खेले थे यहाँ पर 5 मिनट मिले थे जिसमें इनका एक यहाँ पर एक फाउल था, एक टर्नओवर था, अटेम्प्ट शॉट भी किए थे इन्होंने 2-3 और वो सभी यहाँ से मिस हुए थे। बाकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है कि उनको यहाँ से टाइम मिलेगा, अगर मिलता है तो फिर यहाँ पर आपको एक स्टिलमन और डी मिल्टन में दोनों में से किसी एक का टाइम यहाँ से कम होते हुए दिखेगा। बाकी यहाँ पर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस डी ब्रूक्स जो कि ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास होने वाले, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस टाइम बेस्ट मिला, परफॉर्मेंस बेस्ट आया 24 मिनट 7.3 रिबाउंड और इस प्लेयर पर शायद कोई ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे। जीएल और स्मॉल लीग दोनों के लिए आपके लिए बेस्ट पिक अवेलेबल हो जाएंगे। 6 में से 1 प्लेयर जो है तो यहाँ पर 99% यहाँ पर जीएल टीम में यहाँ से रहने वाला है। बाकी के एंडरसन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जेरिन जैक्सन दोनों ऐसे स्टार्टर खेलेंगे, क्रेडिट दोनों का है होने की वजह से शायद ड्रॉप करना पड़ेगा। जेरिन जैक्सन का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, के एंडरसन का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जो हेड टू हेड मैच हुआ था दोनों का परफॉर्मेंस एंडरसन और जेरिन जैक्सन का परफॉर्मेंस उस मैच में यहाँ पर बेस्ट आया था हेड टू हेड मैचेस में। तो जेरिन जैक्सन जूनियर पर यहाँ पर आज के मैच में ध्यान रखना जो कि इन्होंने हेड टू हेड मैचेस में यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। शायद यहाँ पर स्मॉल लीग में थोड़ी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर इनको पिक करने में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो क्रेडिट की वजह से, लेकिन जीएल के लिए बेस्ट पिक मस्त है यहाँ से ट्राई करना। बाकी बैलेंसेस सबके पास होने वाले और सबके यहाँ पर एसपीपीपी भी होने वाले। रिबाउंड और पॉइंट इनके यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 23 पॉइंट सेम 23 रिबाउंड 1 असिस्ट और 3 ब्लॉक इनके तरफ से आए थे। तो मस्त है और बेस्ट एसपीपीपी चॉइस ऐसे आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
बाकी यहाँ से अगर बात करूँगा गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की तरफ से, करी स्टार्ट करेंगे घर से, आप पर जो पॉल इनको असिस्ट करेंगे, बाकी टाइम इनको मिलता नहीं, अवॉइड कर सकते हो। उसी के साथ साथ यम बल्डर जो कि खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, क्रेडिस और आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। डी लिन पर यहाँ पर जी टी डे गेम टाइम डिसीजन है, अगर यहाँ पर डी ली यहाँ पर खेलते तो फिर यहाँ पर मल्डर और जे पॉल का थोड़ा सा यहाँ पर टाइम आपको कम होता है हो देखेंगे। बाकी डी लिन यहाँ के यहाँ से नहीं खेलते तो फिर यम बल्डर और उसी के साथ साथ यहाँ पर जे पॉल को रिसेंटली मैचेस में जितना टाइम मिला था उतना टाइम आपको यहाँ से खेलते हुए देखेंगे। करी का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 37.7 रिबाउंड और 3 असिस्ट, और जो हेड टू हेड मैच हुआ था करी का बेस्ट आया था 46.7 रिबाउंड 9 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आए थे। तो बेस्ट एसपी चॉइस और पीपी चॉइस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जे पॉल हमेशा से बेस्ट रहते हैं बैन से, बाकी 8 क्रेडिट के प्लेयर है, टाइम बेस्ट मिलता है। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 26 मिनट खेलकर 10.1 रिबाउंड और 3 असिस्ट इनके तरफ से आए थे। कैलियो बेंजुमार जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मस्ट है, कैलियो ओबेरी असिस्ट आउट हो चुके, डेली अगर खेलते हो तो जेल में ट्राई करना, स्मॉल लेग के लिए कुछ खास नहीं। यह मल्डर क्रेडिट से और आप यहाँ पर इनको ट्राई कर सकते हो। मल्डर का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 22 मिनट खेलकर 5.3 रिबाउंड और 1 ब्लॉक इनके तरफ से आया था। जो एटीट्यूड मैच कर रहा था यहाँ पर भी 15 मिनट खेलकर 2 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनके तरफ से आया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर 99% मैच से यहाँ पर इन दोनों प्लेयर पर यहाँ पर डिपेंडेंट रहने वाला है। आपके अपोनेंट के पास एंडरसन रहने वाला है और आपके अपोनेंट के पास यहाँ पर जे पॉल भी रहने वाला है। बाकी एटीट्यूड मैचेस में जे पॉल ने एंडरसन से कई बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया था, तो जे पॉल को ट्राई कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से सेफ बचाना है तो फिर यहाँ पर एंडरसन आपके पास यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। एविक्सन ट्राई करना है जीएल में, स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 21.3 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक, जो 88 मैच हुआ था यहाँ पर बेस्ट गया था इनका 21.10 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 1 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आए थे। तो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर हेड टू हेड मैचेस में आया था, मस्ट है, ट्राई करना। डिग्रीन सेलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से स्मॉल लीग के लिए सबसे सेफेस्ट यहाँ पर चॉइस, जेडेक एंडरसन या फिर जेपोल, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। दोनों का परफॉर्मेंस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। बाकी यहाँ पर लोनली यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेंटर से, और ऑलमोस्ट यहाँ पर ये भी 70 to 80% अपोनेंट के पास आपके रहने वाले, पॉइंट से कम पॉइंट देंगे लेकिन रिबाउंड से अच्छे खासे ड्रीम इलेवन पॉइंट यहाँ से आपको दे सकते हैं। अगर यहाँ से बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम के लिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करी अवेलेबल है जो कि यहाँ पर सबके पास होने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जेपॉल या फिर एंडरसन दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो, वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया था। बाकी यहाँ पर मॉर्नट जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए कुछ खास नहीं। बाकी कोई यहाँ पर आपको बेटर पिक यहाँ पर मिलेंगे नहीं, इनएक्टिव है ज़्यादातर के। बाकी टी जॉनसन जो कि खेलते बैन से, टाइम बहुत कम मिलता है मेम्फिस की तरफ से, इजिली यहाँ से अवॉइड कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको डेली खेलेंगे तो डेली अगर यहाँ से खेलते हैं जिन पर आज के गेम में यहाँ पर जेटीडी गेम टाइम डिसीजन है, रिसेंटली मैचेस यहाँ पर ये खेलने रहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये मल्डर और उसी के साथ साथ जे पॉल का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम यहाँ कम होता हुआ देखेंगे। अगर यहाँ पर डेली नहीं खेलते तो फिर रिसेंटली मैचेस में जितना टाइम मिला है उतना टाइम यहाँ से आप इनको यहाँ पर आप खेलते हुए देखेंगे। बाकी कैलू बेंजमार बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लास्ट मैच इनका बेस्ट गया था और दोनों मैचेस में इन्होंने यहाँ पर लास्ट मैच में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 स्टील किए थे, और जो सेकंड हेड टू हेड मैच हुआ था यहाँ पर भी इनके 2 स्टील आए थे, तो अच्छे खासे डेमोरल पॉइंट यहाँ पर इन्होंने स्टील से दे दिए थे। बाकी एविक्सन ट्राई करना है जीएल में, बाकी डिब्रू स्मॉली के लिए मस्ट है और बेस्ट फ्री चॉइस आपको मिल जाएंगे। डेग्रेन जो कि यहाँ पर सेफ चॉइस है, जिनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है असिस्ट प्लस यहाँ पर रिबाउंड स्टील और ब्लॉक, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिबाउंड पॉइंट देते हैं, अटेम्प्ट ऑफ शॉट बहुत कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेयर बेस्ट है डिफेंस खेलते हैं, और स्टील ब्लॉक असिस्ट और रिबाउंड से अच्छे खासे रिबाउंड पॉइंट यहाँ से दे देते। बाकी यहाँ पर जेलिन जैक्सन ट्राई करना है जीएल में स्मॉल लीग के लिए, शायद क्रेडिट नहीं इनकी वजह से। बाकी जेटेक एंडरसन या फिर जेपॉल दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। अगर यहाँ पर डेली नहीं खेलते फिर यहाँ पर जेपॉल पर यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। अगर डेली खेलते तो फिर यहाँ पर सेफ चॉइस है, यहाँ पर आपको एंडरसन अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी सेंटर से वैलेंसिया साहब के पास अवेलेबल है, उसके साथ साथ केलोनली जो कि सेंटर से खेलते हैं, रिसेंटली मैचेस में इनके तरफ से यहाँ से बेस्ट आ रहा है, और 7.5 क्रेडिट में डीवेन जो कि मेम्फिस ग्रिजल्स की तरफ से खेलते हैं एज ए बैन प्लेयर, और बैन से सबसे टाइम यहाँ पर मेम्फिस ग्रिजल्स की तरफ से यहाँ पर इनको मिलता है, तो बेस्ट बेस्ट और सेफेस्ट यहाँ पर चॉइस आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ से डीवेन। अगर यहाँ से बात करूँ एस पी 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 चॉइस की, तो यहाँ पर आप वैलेंसिया के साथ भी जा सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पर करी के साथ भी जा सकते हो। करी जो कि यहाँ पर शॉट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, उसके साथ साथ वैलेंसियास आपके यहाँ पर पॉइंट प्लस यहाँ पर रिबाउंड दोनों यहाँ से देंगे। बाकी दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, और मोस्ट ऑफ मैचेस यहाँ पर एस पी 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 पर भी शायद आपको यहाँ पर डिपेंडेंट देखेंगे। बाकी अगर रिबाउंड और उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉइंट और असिस्ट और ब्लॉक के साथ अगर जाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपके पास वैलेंसियास बेस्ट ऑप्शन है। उसी के साथ साथ गोल्डन स्टेट वॉरियर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टार प्लेयर है डिग्रीन, अगर यहाँ पर अपने बेस्ट
फॉर्म में होती है, अभी अच्छे खासे यहाँ पर अटैम्प्ट ऑफ शॉट करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर विक्सन भी एक बेस्ट प्लेयर है, अगर यहाँ पर भी ये बेस्ट अपना दे दे तो फिर यहाँ पर करी थोड़े से यहाँ पर आपको कम पॉइंट यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अगर यहाँ से फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर सारा ऑफेंस चार्ज यहाँ पर करी पर आ जाएगा और करी अटैम्प्ट ऑफ शॉट बहुत ज़्यादा करते हैं। और आज का मैच यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए और दोनों टीम अपनी तरफ से यहाँ पर भेज देंगी। बाकी एस पी 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 आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस, जो कि यहाँ पर दोनों में यहाँ पर 50-50% शो हो, किसी को भी नहीं पता कौन ज़्यादा पॉइंट देगा और कम कौन यहाँ से कम पॉइंट देगा। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आई होप गाइस मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सही बता दी और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, उसके साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।